अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपने इस चैनल के ऊपर दिल की गहराइयों के साथ खुश आमदीद जो कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो को देखना चाहा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के ऊपर हम एक बात करने वाले हैं, जो लोग अल्लाह के वलियों के मुनकर हैं और जो लोग अल्लाह के वलियों को नहीं मानते, जो उनके खिलाफ प्रोपेगंडा करते हैं, और उसके लिए एक इतनी प्यारी सी मिसाल दी है ना इस भाई ने, जो कि मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ख़ुद भी आप लोगों को ये बता सकता हूँ बोलकर, लेकिन जो मज़ा उसकी ज़ुबान में है ना, वो मैं अगर बोल के सुनाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई मज़ा नहीं आना, क्योंकि उसने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, और वो गुजारिश है कि जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जल्दी से लाइक कर दें, और जो लोग ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल वकास मलिक एक्स्ट्रा को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना वो बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से आप लोग ये क्लिप देख लें और उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। जो फलदार दरख्त होना ना, फलदार दरख्त, उन्होंने जितने मर्जी पत्थर मारो ना, वह फल ही देना। फलदार दरख्त अल्लाह वाले की मिसाल होना। अल्लाह वाले के खिलाफ जितनी मर्जी गल्ला करो, जितने मर्जी प्रोपेगंडे करो, जितना मर्जी भौंको, अल्लाह वाले जनाब उन्होंने भी दुआ देने, तो जो उन्होंने को उन्होंने भी दुआ देने। ये जनाब तुसा एक मिसाल ले लो, मिसाल के तौर पर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार हैं, पीर ऑफ बिलावड़ा शरीफ, उन्होंने दर के उत्ते जड़ा वहना जनाब, तो उन्होंने भी जनाब दुआ देने, उन्होंने भी अल्लाह को शफा लैके देने। तो तुम वेख्यो सी कि जेडे अजकल उन्होंने खिलाफ भौक रहे, उन्होंने खिलाफ जनाब प्रोपेगंडे कर रहे, ARY वेख लो, इकरार उल हसन वेख लो जनाब, इन्हें रेटिंग बिल्कुल जीरो ही, इन्हों पुछता ही कोई नया, भुख तो पै मरद है। जिस दिहाड़े जनाब सरकार के खिलाफ इन्हें जनाब प्रोपेगंडा शुरू किया, उस दिहाड़े की जनाब इन्हों की रेटिंग भी उत्ते आ गई है, तो जनाब इन्हों पैसे भी ढेर लब्बे हैं। तो ये पैगाम सारे मुनाफकों में जनाब, जेडे अल्लाह के वलियों के खिलाफ हैं, पीर फकीर के खिलाफ हैं, ये उन्होंने सारे पैगाम है कि जल्दी जल्दी सारे वीडियो बनाओ, सारे सरकार के खिलाफ वीडियो बनाओ, सारे इकट्ठे होके आओ, सारे पैसे कमाओ, क्योंकि वत आखिर ते अल्लाह के वली जेले चूड़ी टैट करे ने ना, उस टाइम ही तुहाडी हालत दुनिया वेखसी, एक गल याद रखा है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। देखा आप लोगों ने कितना प्यारा जो है उसने जवाब दिया है। अगर ये बात मैं अगर अपनी ज़ुबान में करता तो शायद कुछ लोगों को समझ ना आती, क्योंकि जो लोग पंजाबी में बात करते हैं, अब हम तो मुझे तो इतनी पंजाबी खासकर आती भी नहीं है, अगर मैं ऐसे बात करता तो उनको समझ नहीं आनी थी। जो लोग उस चीज़ को समझ सकते थे उन्होंने ज़रूर समझा होगा। और यही बात है, अगर अल्लाह के वलियों के पास जाओगे फिर भी वो दुआएँ देंगे, और अगर उनके खिलाफ बातें भी करते हो तो फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कह दिया कि मेरी ज़ात पे जो कुछ भी करते रहो इजाज़त है। मतलब ऐसे होते हैं अल्लाह के वली। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और जो हक है सच है उसके ऊपर जो है चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जो लोग यकीन करें, जब मैं देखता हूँ लोगों के कमेंट देखता हूँ तो दिल जो है ना इतना मतलब कि दुखता है, और मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि एक तो इतनी घटिया फैमिली से ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरा ये है कि अल्लाह वालों के खिलाफ इन लोगों के कितने गंदे गंदे गलीज नज़रिए हैं, इनके दिलों में कितना बुगज है, पता नहीं आगे चल के इनका क्या होगा। तो फिर ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो। अगर मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल वकास मलिक एक्स्ट्रा को जरूर सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।